नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, नवंबर के 3 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सुरीनाम देश का जाने पहचाने ओनर नेमर राज उदित हॉलैंड देश में गिरफ्तार हुआ है। इसका तलाश पुलिस कई दिनों से कर रहा था और ये पता चला है कि यह हॉलैंड में था, लेकिन पुलिस इसके तलाश कर रहे थे। अब यह हॉलैंड का पुलिस जो है इन्हें गिरफ्तार किए है। इस पर इल्ज़ाम है कि इनका हाथ है 488 किलोग्राम कोकाइन के मामले में, और जो दर्द बोध इलाका सारामाका में मिला था कुछ महीने पहले। प्रोक्योर जनरल रॉय बैजनाथ पांडे ये इतला किए हैं, यह बताए हैं कि बिल्कुल सच बात है कि इनका गिरफ्तारी हुआ है। और बैजनाथ पांडे पीछे जो है ये भी कहे हैं कि रक्स हुलुक फरशुक लोग किए हैं, मतलब हॉलैंड देश से लोग गुजारिश किए हैं इनको आउट लीवर करने को, इनको सुरीनाम देश के हवाले करने के लिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और ये होगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है। इन पर इल्ज़ाम है, राज उदित पर इल्ज़ाम है कि यह बेकानूनी काम किए हैं, और साथ में भी इनका हाथ है नशीली दवाओं के धंधा में, मतलब वेथ ऑफ फर डोफ इन द मिडल ये पार किए हैं, इसका वो उल्लंघन किए हैं। वैसे राज उदित के तलाश तो कई दिनों से हो रहा था, तब ये मीडिया में आकर एक बयान दिए थे कि उन्होंने यहाँ देश छोड़कर नहीं भागे हैं, सिर्फ इलाज के वास्ते हॉलैंड गए हैं, लेकिन तब से लापता था और अब पुलिस हॉलैंड का जो है इन्हें गिरफ्तार किए है। 8 दिसंबर स्ट्राफ प्रोसेस ये मुकदमा जो है 8 दिसंबर का, ये 29 तारीख अक्टूबर सोमवार को और अक्टूबर के 30 तारीख मंगल को जारी हुआ है। बुरखर कामर और मिलिटर कामर में यह मुकदमा जारी हुआ है। इस मुकदमा में हो फर्दाख्त जो है देसी बौद्ध, इस वक्त सुरीनाम देश का प्रेसिडेंट देसी बौद्ध, इनके जो वकील है इनका राजमान जो है इरविन कन्हाई जो है जज के सामने एक प्रस्ताव रखे हैं, इनसे गुजारिश किए हैं, एक मख्तखिंग जज के सामने रखे हैं कि इनका क्लियंट जो है इन्हें इजाज़त दिए है या कागजात के जरिए प्रेसिडेंट देसी बौद्ध इन्हें इजाज़त दिए इनके तरफ से आखिरी शब्द कहने के लिए, लास्ट वर्ड के वास्ते। जो ऑडिटोर मिलिटर है वो इसको कहे है कि ये सही बात नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है, इसलिए इसके लिए वो इजाज़त नहीं दिए है और ये मना कर दिया है। एक स्कॉर्सिंग के बाद जो रेक्टर्स था और प्रेसिडेंट जो था क्रेसरात का, रेक्टर का ये प्रेसिडेंट जो है इसका फॉल्स्टेन मॉन्टनर जो है, सिंचा फॉल्स्टेन मॉन्टनर जो है रेक्टर्स सुसान शु और रविता छतरपाल के साथ बातचीत किए हैं, और बातचीत करने के बाद ये कहे हैं कि ये इजाज़त इरविन कन्हाई को नहीं मिलेगा अपने क्लियंट की तरफ से यानी बौद्ध की तरफ से आखिरी बात कहने के वास्ते, ऐसा नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये रेख सिटिंग जो है कई साल से चल रहा है। देसी बौद्ध के खिलाफ 20 साल के कैद का सजा का मांग किया गया है ऑडिटोर मिलिटर के जरिए। वैसे इसमें 7 भी बहंदल हुआ है, जो मुकदमा था जेमी स्टोलक का, जेमी स्टोलक के लिए ऑडिटोर मिलिटर ने फ्राइसब्राक का मांग किए है कि इनके वो रिहा की जाएगी। जेमी स्टोलक अपने बयान में कहा है कि वो बेगुनाह है। देसी बौद्ध जो हो फरदख्त है और जो मांग जो पूरा नहीं हुआ इनका वकील का कि वकील इनके तरफ से बात कर सके, आखिरी बात कर सके, इरविन कन्हाई ने ये कहे है कि इसका परिणाम भी कुछ हो सकता है, कुछ खास परिणाम इसका होगा, कुछ कॉन्सिक्वेंसिस होगा, परिणाम क्या होगा वो कहते हैं बाद में वो बताएंगे। ऑडिटोर मिलिटर रॉय एल्जिन जो है ये 20 साल का कैद का सजा भी मांग की है। बाकी का जो फरदाख्तन है इसमें है डेक्सटेल, देंदू, ब्रोंडनसेन, हेफरी, लिविस और कैंपस। ये 8 दिसंबर स्ट्राफ प्रोसेस है, जब से शुरुआत हुआ है 2007 से। इस मुकदमा या प्रोसेस के दौरान 6 फरदाख्तन का देहांत हो चुके हैं। इसमें रॉय एसाया से, आरती खोरे, जॉन नेलोंग, रूबेन रोजेंडाल, बद्री सेन सीताल और मार्सल से, ये 6 लोगों का देहांत हो चुके हैं ये मुकदमा के दौरान। ये जो मुकदमा है देसी बौद्ध हो फरदख्त के खिलाफ जो चल रहा है ये आउटस्टाइल की गई है, और ये कहा गया तत्नादर ऑर्डर, ये आगे तक के सूचना तक, आगे के सूचना तक ये ताल दिया गया है, और जब ये फिर से जारी होगा तो फोनस आएगा, मतलब जज अपना फैसला सुनाएगा।
नवंबर की पहली तारीख से राबर कनेक्ट टीवी जो है हॉलैंड में देश भर में लमदलक अपना टेलीविजन प्रोग्राम पेश करते हैं। राबर जो है सुरीनाम देश का आरबीएन जो है ये एक पार्टनरशिप दस्तखत किए हैं और ये नीदरलैंड से आरटीवी सेफ के साथ ये फारिक पीर खान डायरेक्टर आरबीएन राबर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का जानकारी हमें दिए है। वैसे अक्टूबर के पहली तारीख से हाक्स लंदन में ये प्रोग्राम दिखाया जाता था और अब हॉलैंड में देश भर में ये प्रोग्राम जो है आरबीएन का दिखाया जाएगा। हाक्स रेगियो टीवी 047 से हो कनाल 44 पर रोजाना 9 बजे हॉलैंड के समय प्रोग्राम दिखाया जाता था और नवंबर के पहली तारीख से सनीचर से लेकर बीफे तक प्रोग्राम भी बाकी के हिस्सा हॉलैंड में दिखाया जाएगा। और ये सुख का जो मामला है, सुख का जो प्रोग्राम है, इस बारे में अभी लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी बातचीत चल रहा है। अभी औसेंटेट कब ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन जल्द में ये आपको बताया जाएगा। ये जो लॉन्डले का आउटसेंडिंग हॉलैंड में है, ये वहाँ का प्रोवाइडर्स जो है हॉलैंड में से हो कनाल 55, KPN कनाल 93, XS फॉर ऑल, टेलफोर्ड, NLA और ग्लासहार्ट मीडिया के जरिए दिखाया जाएगा। हाक्स रेगियो में जब प्रोग्राम पेश होता था तो लगभग 1.2 मिलियन कैकर्स के बात हम करते थे जो ये प्रोग्राम देख सकते थे। अब देश भर में अगर हॉलैंड में दिखाया जाएगा तो लगभग 9.6 मिलियन कैकर्स ये प्रोग्राम भी देख पाएंगे। राबर कनेक्ट न सिर्फ प्रोग्राम दिखाते हैं जो यहाँ सुरीनाम देश में आरबीएन टेलीविजन पर दिखाया जाता है, लेकिन बाकी लोग जो दर्दन है, तीसरे लोग जो है प्रोग्राम अगर लाते अपना प्रोडक्सिस एक प्रोडक्सिस लाते हैं, ये स्क्रीन होता है और अगर ठीक लगा तो ये भी दिखाया जाएगा टेलीविजन पर। ऐसे में भी बातचीत हुआ है हैंक फन फ्लिप के साथ जो प्रोग्राम ओरू पोकू मांग फुसरा नांग पेश करते हैं। यह प्रोग्राम अभी हाल ही में भी हॉलैंड में दिखाया जाएगा। एन फॉर 12 प्रोग्राम लुई फेस्माल का और तपा बंगस्टल प्रोग्राम जो है ओरल टेम आलिया सिंपल का, ये तमाम प्रोग्राम भी हॉलैंड में दिखाया जाएगा। राबर कनेक्ट का पार्टनर जो है अमजद जहान IASC का, ये इन लोगों को मौका दिए है प्रोडक्सीज हॉलैंड में बनाने के लिए, ऑफनामस हॉलैंड में बनाने के लिए और पहला प्रोग्राम पहला प्रोडक्सी भी तैयार हो गया है। मेन रेख्त हॉलैंड में इसका ऑफनाम हो चुका है जो आने वाले दिनों भी वहां पर दिखाया जाएगा। लक्ष्य यानी दूल्हे की दो देशों को टेलीविजन के जरिए बांधना जाए, बांधने को यही लक्ष्य है ये टेलीविजन का प्रोग्राम हॉलैंड में पेश करने को। बीते हुए सोमवार के रात को काफी जोर से तेजी हवा आए थे, बवंडल आए थे और काफी जोर तोर से बारिश भी हुए थे। इसके वजह से एक मकान कवाता पर जहां पुलिस पहुंचते रहे वह आमने सामने जो मकान है इसका छत उड़ गया है। ये छत जो उड़ा है तो आकर सड़क पर गिरा है, इससे काफी रुकावट यातायात यानी फरकेर में आए है। पुलिस रास्ते बंद कर दिए थे, वहां आसपास के लोगों को बिजली यानी स्त्रोम भी नहीं था। कोई घायल नहीं हुए है, लेकिन ये छत जो है जब उड़कर सड़क पर गिरा है तो एक मोटरगाड़ी जो वहां से गुजर रहा था उस पर जाकर गिरा है। खुशी के बात जरूर है कि कोई घायल नहीं हुए है और जो आसपास के रास्ते बंद थे तो काफ़ी फिलस थे बाकी के रास्तों में, तो कुछ घंटे बाद ABS ये स्टोरिंग हल किए है और फिर से सभी लोगों को स्त्रोम यानी बिजली थे। ये सोमवार के रात को हुआ है क्वाता पर। मोटर सर्फियांस दीन्स पुलिस का कॉरप्स पुलिस सुरीनाम का 21 तारीख से लेकर 27 तारीख अक्टूबर तक ये सब एक्सेस किए हैं, कंट्रोल किए हैं सड़कों पर। इसमें 34 लोगों का रैब वेस पुलिस ले लिए है क्योंकि ये सब मैक्सिमल स्नेल हेड पर गौर नहीं किए, मतलब काफ़ी तेजी से मोटरगाड़ी लोग हाँक रहे थे। कुल मिलाकर 170 लोग होने सेफ तक पर्सोन को एक बक्योरिंग मिला है और ये अनेक अनेक चीज़ों के लिए 28 लोगों को बक्योरिंग मिला है क्योंकि ये सब बगैर फैल खेज खौरदल के साथ मोटरगाड़ी हाँक रहे थे। 7 लोग मोटरगाड़ी हाँकते थे बगैर रैब वेस के साथ, इन लोगों के पास रैब वेस नहीं था। आगे में 20 लोगों को एक बक्योरिंग मिला है, बूता यानी दाढ़ इन लोगों को भरना था क्योंकि इन लोगों का मोटरगाड़ी क्योर या हेयर क्योर नहीं था।
नौ लोग ये सब ऐसे अपना मोटरगाड़ी सड़क पर रोके थे कि दूसरे लोग वहां से गुजर नहीं पाते थे। बाकी के लोग जो है, सात लोगों को बकोरिंग मिला है क्योंकि ये सब इस तरह से मोटरगाड़ी हाँक रहे थे और दूसरे के जान को खतरे में डाले है। और साथ में भी 10 लोगों को एक बूटा मिला है, डाढ़ इन लोगों को पैसा भरना था क्योंकि ये सब हाथ मातक तार कर रहे थे, बेला हाथ मातक बेला ये मना है, तो ऐसा लोग कर रहे थे तो इन लोगों को बूटा मिला है। ये जानकारी कॉर्प्स पुलिस सुरीनाम से हमें मिला है। एक मूत्रगाड़ी हादसा हुआ है मार्टिन लूथर किंग वे पर और ये सुख के सुबह में हुआ है। पुलिस जब वहां पर पहुंचे है तो जंगल में एक मूत्रगाड़ी था, मूत्रगाड़ी में लाश था 40 साल का आदमी का, इसका देहांत हो चुका था। पुलिस खोजबीन किए हैं, डॉक्टर को वहां पर बुलाए हैं और जब डॉक्टर वहां पर पहुंचे हैं तो अपने खोजबीन किए हैं तो डॉक्टर ये बताए कि ये आदमी लगभग 4 घंटे से इनका देहांत हो चुका था। पुलिस आगे खोजबीन से यह बताए है कि मुमकिन ये आदमी काफ़ी तेज़ी से मोटरगाड़ी हाँक रहा था, हो हसनल हाइक पर चलाए है, साथ में इनका फैल खैज और दलवो नहीं लगाए थे और ये अकेली थी मोटरगाड़ी में, कोई और नहीं था। यह आदमी के देहांत हो जाने से 40 साल का एत शानियो बोम डेक जो है ये फीरन सस्तक से फरकेश दो दे है, फरकेश 12 मीटर फीरन सस्तक पर आकर पहुँच गए इस साल के फास्ते। कुछ और देसी खबर हम आपको देना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक कमताई ये लोग महसूस किए हैं, कॉन्स्यूमेंटन ग्राहक जो है एक कमताई महसूस किए हैं आलू और प्याज का दुकानों में। छोटे छोटे दुकान जो है यहाँ पर आलू और प्याज बिल्कुल नहीं था, अगर आप वहाँ पर जाते थे तो आलू प्याज आपको नहीं मिलता था। कुछ बड़े दुकानदार जो थे यहाँ पर आपको मिलता था लेकिन काफ़ी महंगा दाम में। जो खरोद हमदलार से इन लोगों के पास था ये आलू और ये कुछ लोगों के लिए लेफर करते थे लेकिन इसके लिए और ज़्यादा पैसा आपको भरना था। एक खरोद हमदलार ये बताइए क्योंकि जिस जहाज से ये आलू प्याज सुरीनाम देश में आना था ये काफ़ी देर से पहुँचे है, इसमें डिले था इसलिए ये कमताई था, लेकिन सभी दुकानों को पिछले बीफे को ये फोरात इन लोगों को मिल गया है, तो अब पूरा तादाद में आलू और प्याज आप दुकानों में खरीद सकते हैं। वैसे फिरमा छोटेलाल जो है जो सस दाम में कॉस्ट प्राइस में ये तमाम सामान बेचते हैं, इन लोगों का एक डायरेक्ट सिलेट से बातचीत हुआ है और ये सब बताए है कि इन लोगों के पास कोई शार्स्त नहीं था। यहाँ पर आलू आप खरीद सकते हैं द्री SRD में, SRD 3 रुपया में आप खरीद सकते हैं 1 किलो आलू, प्याज लहसुन तेल और टॉयलेट पेपर भी सस दाम में यहां पर आप खरीद सकते हैं। जो दुकान में आप खरीदते हैं इन लोगों के पास दाम काफी सस्ता है। एक आखिरी खबर के साथ आज का ये न्यूज़ के खबरें हम ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि सुख के रात को लेली तौर पर त्वेन फेयर तख्त एडिटसी शुरू हुआ है सफाना रैली का। इसुसु सफाना रैली 2018 शुरू हुआ है, 58 एकिप्स इसमें हिस्सा लेते हैं, यह पिछले साल से और कम है और 8:01 पर पहला एकिप का शुरुआत ये किए है, रैली से शुरुआत किए है। ये रैली राइडर्स जो है ये फिनिश करेंगे, ये रैली ख़त्म होगा एतवार को शाम को फर्नांडिस ऑटो हैंडल के पास। एक पूरा हैपनिंग था लेली दौर पर सुख को शाम को रात्रि के समय और ये हैपनिंग में काफ़ी लोग हिस्सा लिए हैं और इसके साथ सफाना रैली 2018 का शुरुआत हुआ है। यह आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।